आप ये लाइव तस्वीरें इस समय देख रहे हैं जिला यमुनानगर के जो पावर हाउस के यहाँ पर कुछ कॉलोनी वालों की जो है काफ़ी समय से लाइट नहीं आ रही, जिसको लेकर पावर हाउस में फिलहाल यहां पर लोग इकट्ठा हो चुके हैं। क्या कुछ पूरा मामला है तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्या कुछ प्रशासन बातचीत कर रहा है क्योंकि गुस्साए लोग हैं। सुबह से कोई लाइट नहीं है, हमारा काम भी कैसे चल रहा है। उस बारे दोपहर ही बता, दोपहर को जब जुम्मे की नमाज का टाइम था फोन आया, तब ठीक कराइए, सारे जगह जगह टूट रही है, कितनी आग लगी सबने देखा। मैं आप कह दो, अगर एक मिनट हमारी ये गाड़ी में पंचर हो जाता है, पंचर होने के बाद पंचर लगाने में टायर बदलने में टाइम लगता है ना। अगर पीछे बैठी सवारी कहे, आप तो ड्राइवर आदमी हो सारे, पीछे बैठी सवारी कहने पंचर लगाना मेरे को लेके चल, क्या क्या मुनासिब है? नहीं, एक्शन साहब से हमारी बात होगी, SDO साहब से हमारी बात होगी, जो मेन बड़ी प्रॉब्लम थी वो उन्होंने पकड़ ली है। दो तीन कॉलोनी जो मेन फ्यूज रह रहे हैं उसमें लगे हुए हैं, बाहर से स्टाफ और लगा लिया है। ठीक है, सुन लो, क्या कहा प्रॉब्लम पकड़ा गया है अब, ठीक है, 9 बजे पकड़ा गया है, और जो दो चार फ्यूज रह रहे हैं और उसके लिए बाहर स्टाफ लगा के उसमें लगे हुए हैं। आके पहले बात आई है, ये इधर बैठना गलत है, बाकी अगर आप बैठते हो उसके लिए साथ मेरी बात सुनो। चलो मैं इन सबका बच्चा हूँ, आप बच्चे हो ना, हाँ, जो बात करनी है, लेकिन आप मेरी बात सुनो, मेरी बात, आप दीपक वर्मा, आपके स्टाफ के बंदों ने खुद ये बात बोल लिया, भैया जाम लगाना तो ढंग से लगाओ। किसने बोली? ऐसा 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 कुछ नहीं है, ऐसा जवान सवाल मैं छोड़ दो, आपका बैठे सामने वो अभी भी लग रहे हैं, देखो वो अभी भी लग रहे हैं, वो सारा स्टाफ बाहर से भी बुला लिया है, उसके लिए लगे हुए हैं। हमारी एक्शन साहब से बात होगी, मैं वहां से आया हूँ, सारा एरिया देख के, मतलब जो सच्चाई बिल्कुल वही बयान कर रहा हूँ। जी जी जी, हम यहाँ पहले आए, नरेश कालड़ा जी, मेरे ओपी नाम होता सुनील कालड़ा मेरे साथ आए जी, यहाँ देखे जो मुलाजम खड़े थे ना ड्यूटी पे, वो भी हमें कह के जी हम गड़ी में ही जा रहे हैं। ठीक है, मैं कहा ठीक है, गड़ी वाले तो ट्रांसफर हमारा वाला ही खराब है, वो जा रहे हैं गड़ी में चलते हैं। उनको मैं सुनील को साथ लेके गया वहाँ, जहाँ वो पुराने वाला ट्यूबवेल खराब हो गया था, नवा लगा ना, चौकी के सामने जो पुराना बंद हो गया था, आगे नवा लगा चौकी से आगे, वहाँ देखा जाके हमने, तो उसमें कोई मुलाजम नहीं था, उसमें मुलाजम नहीं, हम भी वहाँ गए, जो मोटी तारे हैं ना, हाँ इतनी जगह मोटी तारे जड़ जड़ के नीचे गिरी हैं, लेकिन हमें वहाँ हमने अपने बंदे लगा के उनसे भी दूर उठाए, क्योंकि जल्दी तार में अगर करंट आके किसी बच्चे को लग दे, उसके छोटे बच्चे को कहाँ पता होता है। उसके बाद तार ऊपर से नीचे गिरी है, नहीं जनाब ऐसा है, उसके बाद उसने सुनील ने मेरे सामने बात की मुलाजम से जो ड्यूटी पे है। अच्छा, एक हाँ जी हाँ जी, ठीक जी, तो बहरहाल तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं, पुलिस फिलहाल समझाते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, बच्चों को नहीं पता है, अगर है कोई उधर खड़ा होगा बच्चा, उसके लिए मैं अपनी बातों को ऐसा नहीं होगा, जुल्फान ने मेरी बात कराई तो मैंने उसे काम रोका इनको जाके, मगर ना काम नहीं करना, मुझे पता है ऐसा नहीं, हो गया फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्या मामला हुआ जनाब? ऐसा है, 3 दिन से लाइट और पानी नहीं है, कितने दिन हो गए? आज तीसरा दिन है जी, पानी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, उसकी परेशानी के कारण हम यहाँ देख रहे थे कि लाइट आएगी तो पानी आएगा। बाबा जी तो देख सकते हैं तस्वीरें, पुलिस फिलहाल समझाते हुए तमाम लोगों को नजर आ रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं, SDO एक्शन से बात कराने के लिए पुलिस यहां पर लेकर जाती है। 3 दिन से लोगों का यहां पर कहना है कि यहां पर ना ही लाइट आई ना ही पानी आई, तस्वीरें आप देख सकते हैं, कौन से मोहल्ले में नहीं आ रही है, पुराना मिता है गड़ी रोड पे, 3 दिन हो गए, 3 दिन से पानी और लाइट नहीं है, 3 दिन से परेशान थे, इसलिए हम प्रशासन के पास भी गए, सब कुछ देखा, लेकिन कोई मतलब हमारा मसला हल नहीं हुआ। शाम को 6:30-7 बजे करीब लाइट आई 20 मिनट के लिए, लाइट फिर बंद हो गई। आज जब यहाँ हम मौके पे पहुँचे आगे, तो जो मुलाजिम ड्यूटी में थे वो हमें कह गए कि हम गड़ी गुजरान में जा रहे हैं वहाँ ठीक करने के लिए, लेकिन वहाँ हमें कोई नहीं मिला।
जो ड्यूटी पे मुलाजम आने थे उनसे बात की फ़ोन पे, तो कह रहे जी हमारा एरिया जो है हम तो ठीक करेंगे, एक तो पन्ना की दुकान के पास जो वाल्मीकि बस्ती है, और एक करेंगे गड़ी गुजरान वाला जो कब्रिस्तान के पास है, वो ठेकेदार का काम है, वो ठेकेदार करेगा। तीन दिन से जनाब हमारे पास पानी नहीं है, लाइट नहीं है, छोटे छोटे बच्चे वो कहाँ जाएंगे। हमीदा से हमने यहाँ गड़ी गुजरान वाले रोड से अपना पुराने हमीदा में जहाँ उसकी हीरो अंडा हीरो की एजेंसी है वहाँ से पानी लेने के लिए गए हैं बच्चे, हीरो अंडा की एजेंसी के पास वहाँ से। सर अभी किसी लड़के को भी यहाँ से पकड़ा गया? हाँ जी अभी उठाया है, यहाँ अभी करते हैं बात उनसे, जनाब अभी हैं यहाँ तो उनके लिए। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और किस तरीके से तीन दिन से बताया जा रहा है पुराने हमीदे में जो लाइट नहीं आ रही है, जिसके कारण तमाम यहाँ पर मोहल्लेवासी परसों से बताया जा रहा है लाइट और पानी नहीं आ रही है। क्या नाम है जी आपका? गुलंदा जी, हरप्रीत सिंह। क्या नाम है? इधर गल करो। क्या क्या बात हुई है भाई साहब? दो दिन से लाइट नहीं आ रही है। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए यहाँ आए हैं जी। बस फिर आज लाइट ठीक करी उन्होंने, पूरा दिन कल लगा दिया और पूरा दिन आज का लग गया। 7:30 लाइट गई है, 7:30 लाइट पर पटाखे मार गई है, बताओ। और बच्चे परेशान हो रहे हैं, पानी के तरस रहे हैं, हर चीज़ परेशान हो रहे हैं, बताओ। तो देख सकते हैं तस्वीरें, लगातार पुलिस यहां पर समझाने का बहरहाल प्रयास करती हुई यहां पर जरूर नज़र आ रही है। देख सकते हैं क्या कुछ पूरी बातचीत होगी एसडीओ एक्शन पावर हाउस के अंदर, ये पूरा मामला यहां पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बातचीत फिलहाल ज़रूर करेंगे, पुलिस भी यहाँ पर मौके पर पहुँची हुई है, बातचीत यहाँ पर लगातार जारी है और लोगों को फिलहाल संतुष्ट यहाँ पर किया जा रहा है। हमीदा चौकी इंचार्ज गुरदयाल जी यहां पर पहुंचे हैं अपने पूरी पुलिस बल के साथ। तस्वीरें आप देख सकते हैं, समझाने का लगातार प्रयास जारी है, दो दिन से जो है लाइट यहां पर नहीं आई, देख सकते हैं तस्वीरें। फिलहाल कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास कर लेते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? हाँ जी, अनीता। क्या मामला हुआ है, लाइट नहीं आ रही? ना जी। कितनी परेशानी हो रही? बहुत ज्यादा, बच्चों के पानी के भी बिल्कुल तरस गए हम। अच्छा, हाँ जी। तो क्या कहना है बिजली विभाग वालों को, कुछ कहना है अभी? बस लाइट ठीक कर दे, हमने क्या कहना। साडा फ्यूज लगा दें 14, यानी कि अज सवेरे 11:27 फ्यूज उड़िया है जी, एक बार आके लगा के गए ने, दोबारा फिर उड़ गया जी। हम याद कोई अगे कुंडी लाता जी, कुंडी कौन लाता वे, इन्हों का काम है जी लगना। जब से सर आप पहुंचे कोई बातचीत हुई अंदर? नहीं जी, नहीं नहीं, किस ना कोई गल नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं की, कोई गल नहीं करता जी। तो देख सकते हैं तस्वीरें, पुलिस बहरहाल मौके पर है और बातचीत लगातार की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गुरदयाल जी मौजूद है। गुरदयाल जी क्या कुछ मामला, क्या तो एक बार बातचीत कर ले गुरदयाल जी, क्या कुछ मामला हुआ है यहाँ पर, लोग इकट्ठे हैं? देखिए यहाँ हमीदा में लाइट कल भी नहीं थी और रात भी दिक्कत रही, आज भी पूरा दिन खराब रही है लाइट, जिससे देखो बच्चे बुजुर्ग माताएं सब बहनें सब परेशान भी हैं। तो उस परेशानी के चलते हुए सारे लोग यहाँ आए थे कि हमारी लाइट नहीं आ रही और बिजली पानी में दिक्कत हो रखी है जी। तो इनका थोड़ा सा गुस्सा ये था कि एसडीओ साहब ने हमें कोई सही रिस्पॉन्स नहीं दिया है, उनसे नाराजगी थी। अब देखो चीज़ खराब हुई है, उसको ठीक होने में टाइम तो लगता है जी, उन्होंने काफ़ी ठीक कर भी दिया है, अब हमारी एक्शन साहब से भी बात हो गई है, उन्होंने एक्स्ट्रा मैन पावर अपनी लगा दी है और जल्दी ही उसमें लगे हुए हैं। जो मेन बड़ा फॉल्ट था वो एसडीओ साहब बता रहे कि हमने 9:15 उसको मेन फॉल्ट को जिसके कारण से दिक्कत आ रखी थी वो हमने ट्रेस कर लिया है, उसको पकड़ लिया है, उसको ठीक करने के बाद अब लगभग आधे से ज़्यादा में लाइट आ चुकी है और जहाँ नहीं आ रही वहाँ भी वो लगे हुए हैं जी। अब पूरा दिन से लाइट नहीं थी तो गर्मी का मौसम है, कि शाम लाइट ठीक हुई थी उसके बाद फिर खराब, दोबारा बीच में कोई लोडिंग ऐसी वजह से कई तारें टूट के गिरी हैं, काफ़ी मोटी मोटी कोयल भी गिरी हैं हमारे सामने भी गिरी, हमने भी वहाँ अपनी मैन पावर ड्यूटी लगाई थी, कहीं वो किसी के ऊपर ना गिरते रहा चलते थे कि ऊपर ना गिर जाए, तो उसके लिए देखो ये सब बुजुर्ग हैं सारे साथ में हैं, देखो कोई बाहर का तो है नहीं, ये सिर्फ उसी रोज़ के लिए आए थे कि एसडीओ साहब ने हमें सही रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो क्या बच्चे हैं बातचीत जी जी, हाँ हाँ हमारी बात होगी, उन्होंने एक्स्ट्रा मैन पावर लगा ली है, वो लगा रखे हैं जी, इनकी भी बात हो चुकी है, बात करा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरदयाल जी थे जिन्होंने कहा कि फिलहाल बातचीत हो चुकी है, लोग यहाँ पर है, क्या क्या कुछ कहेंगे, बातचीत होगी आपकी? उन्होंने फोन पे बात हुई जी मेरी कि रात को आपको लाइट हम चालू करेंगे, जबकि दोपहर के टाइम उन्होंने कहा था ना हमारे पास केबल है और ना हमारे पास लेबर है, उसकी वजह से हमारा को गुस्सा है, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हो गए हैं और अब कह रहे हैं कि आपकी लाइट रात को चालू कर देंगे। आश्वासन मिल गया, संतुष्ट है? अब अभी तो देखो जी संतुष्ट है, तभी अच्छा हमारे लाइट आएगी। तीन दिन से हमारे ना पानी है और ना बिजली है, तीन दिन से हम परेशान हैं, बच्चे घर में देखो ऐसे, आप मानोगे कि मैं हमीदे में रहता हूँ और पानी पीने के लिए गुलाब नगर से लेके गया हूँ, पानी पीने के लिए गुलाब नगर से लेके गए हैं और रह मैं हमीदे में रहा हूँ। इधर की समस्या पहले भी कभी आई है? पहली बार ये ज़्यादा, देखो ये समस्या पहली दफा ही है।
पहले ऐसी समस्या हमें कभी नहीं आई। वो कोई मेजर फॉल्ट था, मेजर फॉल्ट की वजह से ऐसी दिक्कत आई है। आज पूरा दिन सारे उसमें बुरा हाल रहा है, लेकिन पूरे हम इतने में लाइट नहीं थी सुबह से जी, वो ठीक करने में लगे हुए थे। अब शाम को 5 बजे कुछ जगह 5 बजे आ गई थी, कुछ दोबारा जुम्मे की नमाज थी उस टाइम भी काफ़ी मेरे पास कई लोगों को फोन आया, तब भी लाइट उन्होंने कहीं जगह बंदोबस्त किया था। अब लगे हुए हैं उसके अंदर, वो भी ठीक हो जाएगी जो सर। अभी लोगों को यहाँ से समझा के भेज दिया जाएगा। तो फिलहाल देख सकते हैं तस्वीरें, गुरदयाल जी थे उन्होंने कहा कि आश्वासन फिलहाल दे दिया गया है और एक्शन का कहना है कि आज रात रात में जो है इन फिलहाल इनकी लाइट शुरू हो जाएगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, फिलहाल मोहल्ले वालों को समझा दिया गया। मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। फिलहाल मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।